नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? जी हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मेरा आपसे पूछने का एक उद्देश्य है। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति आपके बारे में सोचने लगते हैं और आप भी वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं जैसा आप और दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। जैसे चित्रकार एक चित्र बनाने से पहले उस चित्र के बारे में सोचता है कि वो कैसा चित्र बनाना चाहता है, और फिर वो चित्रकार अपनी सोच को रंगों के माध्यम से कैनवास पर उतार देता है और देखने वाले उस चित्र में वही देखते हैं जो चित्रकार उस चित्र में दिखाना चाहता है। बिल्कुल यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हम अपने को एक पॉजिटिव, कूल, पावरफुल, ग्रेसफुल, हैप्पी, रिच, हेल्दी, कॉन्फिडेंट, लविंग, ब्यूटीफुल, काइंड, स्ट्रेस फ्री, फियरलेस, जॉयफुल और ब्लेस्ड या इसी तरह की पॉजिटिव थिंकिंग वाली क्वालिटीज से भरपूर महसूस करते हैं और अपनी सोच पर विश्वास करते हैं, तो लोग हमें पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक समझने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर हम अपने को एक डरपोक, कमजोर, कम बुद्धिमान या इसी तरह की नेगेटिविटी से भरी पर्सनैलिटी मानते हैं तो दूसरे भी हमें वैसा ही मानेंगे। यानी जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं तो ऐसा ही दूसरे लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं और वैसा ही व्यवहार हम करने लगते हैं। या कहिए, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हम करने लगते हैं और वैसी ही हमारी समाज में इमेज बनती है। हम जैसा बनना चाहते हैं हमें अपने आप को वैसा ही मानना पड़ेगा और हमें अपनी सोच भी वैसी ही बनानी पड़ेगी, और फिर हमें अपनी सोच पर विश्वास करना होगा कि हम अपने बारे में जैसा सोच रहे हैं हम वैसे ही हैं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स बनेंगी और वो वाइब्स हमारे चारों ओर एक ऑरा बनाती हैं, और फिर हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों को वैसा ही नजर आने लगते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं या जैसा हम बनना चाहते हैं। और यही पॉजिटिव वाइब्स हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती है और हम स्वतः वैसा ही बिहेव भी करने लगते हैं। साथियों, हमारा जीवन एक प्लेन पेपर की तरह होता है और अपनी सोच से हम उस पर जो भी लिखते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है। इसलिए हमें अपनी जीवन की जैसी स्टोरी चाहिए वैसी ही स्टोरी हमें लिखनी होगी, ताकि हमारा जीवन एक हैप्पी और सक्सेसफुल तरीके से व्यतीत हो सके। धन्यवाद।